हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भव्य क्लासेस में। वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट का ये लेसन 4 है, जिसमें हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिसका डेली लाइफ में यूज़ होता है या चैटिंग में यूज़ होता है, हम उसको देखने वाले हैं। और ये लर्निंग का, इंग्लिश सीखने का बहुत ही आसान तरीका है। बिना देर किए आइए देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। आज का जो इंग्लिश वर्ड में सेंटेंस के तौर पे यूज़ करने वाले हैं वो है इन वर्ड को जो हम लोग डेली लाइफ में चैटिंग वगैरह दोस्तों से बातें करने में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। घबराओ मत, ठीक है, हिंदी है इसका। जैसे कहते हैं ना, घबराओ मत, डोंट पैनिक। जब कोई परेशान होता है, घबराता है, तो कहते हैं घबराओ मत, डोंट पैनिक। पैनिक, पैनिक मतलब होता है घबराना। ठीक है, चिंता मत करो, कहते हैं ना, अरे यार चिंता मत करो, तुम ये काम हो जाएगा, चिंता मत करो। तो ये क्या हो गया, डोंट वरी। वरी मतलब क्या होता है, चिंता। ठीक है, वरी मतलब चिंता। अब आगे देखते हैं, मैं जल्दी में हूँ, मैं जल्दी में हूँ। ठीक है, आई एम इन हरी। हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी। ठीक है, हरी मतलब जल्दी। मैं जल्दी में हूँ, आई एम इन हरी। क्या क्या कहा तुमने, कहते हैं ना, क्या कहा तुमने, तो व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने, फिर से बोलना, क्या कहा तुमने, फिर से कहो, कहते हैं ना, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। तो क्या कहा तुमने, व्हाट डिड यू से, फिर से कहो, से अगेन। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया का हिंदी, ये हिंदी है, इसका इंग्लिश हो जाएगा लेट्स बैगोन्स बैगोन्स, लेट्स बैगोन्स बी बैगोन्स। जो हो गया सो हो गया, लेट्स बैगोन्स बाय बी बैगोन्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपका सब्सक्राइब और लाइक ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि हाँ, मैं और बेहतर कर सकूं। और अगर आपको कुछ सुझाव हो, आपके मन में कुछ आप बताना चाहते हो, आप कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आगे है, वह सोया हुआ था, वह सोया हुआ था। जैसे किसी के घर गए जाते हैं तो देखते हैं वह सोया हुआ था, तो क्या कहते हैं, ही वॉज अ स्लिप, ही वॉज अ स्लिप। ही वॉज क्यों लग गया, क्योंकि वो था। ठीक है, अ स्लिप, वह सोया हुआ था, ही वॉज अ स्लिप। ठीक है, मुझे तुम पर गर्व है। जब तुम, जब कोई अच्छा काम करता है तो कहते हैं ना, हमें तुम पर गर्व है। तो क्या है, गर्व है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, बकवास मत करो और बेकार की बात मत करो। दोनों का मतलब सेम ही है, बकवास करना या बेकार की बात मत करो। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, डोंट टॉक नॉनसेंस, मतलब बकवास मत करो या बेकार की बातें मत करो। टॉक मतलब क्या होता है, बात करना, और नॉनसेंस मतलब होता है बेकार का या बकवास, जिससे बेकार की बातें या फिर बकवास का इंग्लिश क्या हो जाता है, नॉनसेंस। तो डोंट टॉक नॉनसेंस। इसमें खास बात क्या है, या इसमें ऐसा क्या खास है, दोनों सेम है। ठीक है, इसमें खास बात क्या है, इसमें ऐसा खास क्या है, व्हाट इज सो स्पेशल इन इट। इसे क्या पढ़ते हैं, व्हाट्स, व्हाट इज सो स्पेशल इन इट, व्हाट इज सो स्पेशल इन इट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मेरे पास नगद रुपया नहीं है, मेरे पास नगद रुपया नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव एनी कैश। कैश का, रुपया का जो होता है, नगद रुपया का इंग्लिश क्या होता है, कैश। आई डोंट हैव एनी कैश। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तुम कायर हो या तुम डरफोक हो। ठीक है, दोनों ही सेम है। ठीक है, तुम कायर हो, यू आर कोवार्ड, कोवार्ड, यू आर कोवार्ड। तुम कायर हो, यू आर कोवार्ड। ठीक है, कोवार्ड, कायर का इंग्लिश क्या होता है, कोवार्ड, यू आर कोवार्ड। यह किसके लिए है, हु इज इट फॉर, यह किसके लिए है, हु इज इट फॉर। ठीक है, तुम डरफोक हो, यू आर टिमिड या कोवार्ड। यहाँ पे दोस्तों टिमिड और कोवार्ड दोनों ही डरफोक या कायर के लिए होता है। ठीक है, कोवार्ड भी होता है और टिमिड भी होता है। ठीक है,
तो आप दोनों ही वर्ड को याद रखें, जॉन जो सा वर्ड आपको अच्छा लगे और ज़्यादा सुटेबल लगे आप उसे यूज़ करें, बल्कि दोनों ही यूज़ करें जिससे आपको याद हो जाए। इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, वॉट इज़ देयर टू क्राई, वॉट इज़ देयर टू क्राई, इसमें रोने वाली क्या बात है, वॉट इज़ देयर टू क्राई। अब आगे देखते हैं, क्या आप मुझसे क्रोधित हैं, या यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आर यू एंग्री विथ मी, आर यू एंग्री विथ मी, आर यू एंग्री विथ मी, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, आर यू एंग्री विथ मी। ठीक है, अगला जो वर्ड है, सेंटेंस है, वो है क्या आप मुझसे नाराज़ हैं क्या, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या। ये देखो दोनों ही सेम वर्ड आ गया है, बट जो वर्ड यूज़ होगा वो डिफरेंट होगा। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या, आर यू एनॉयड विथ मी, तो यहाँ पे क्रोधित है एंग्री, अब नाराज़ दोनों का मतलब दोनों होता है, एंग्री और एनॉयड। ठीक है, तो क्या आप मुझसे क्रोधित हैं, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं क्या, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या, दोनों ही सेम है। एंग्री का मतलब भी क्रोधित हो नाराज, और एनॉयड एनॉय का मतलब भी होता है एंग्री और नाराज। ठीक है दोस्तों, आप इन सब वर्ड को अपने दोस्तों को कहने के लिए वर्ड का यूज़ क्या करो, जैसे तुम कायर हो यार, तुम एकदम तुम ना डरफोक हो, यू आर कोवार्ड, इस तरह से जब आप अपने दोस्तों को कहोगे, उनसे बातों में इस्तेमाल करोगे, चैट में इस्तेमाल करोगे, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे हमारे पास क्या वर्ड है, सेंटेंस है। ठीक है, कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा। हाँ, मुझे लगता है, कहते हैं ना कि मुझे मुझे लगता है कि तुम सही बोल रहे हो, तो मुझे लगता है आई थिंक, मुझे लगता है आई थिंक। ठीक है, तो अगला जो वर्ड है वो हो जाएगा, एक बात बोलूं, डू आई से वन थिंग। ठीक है, जब हम किसी को सलाह देने जाते हैं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यार, हाँ तो क्या, अब जब डिस्कशन हो रहा है तो उसमें कहते हैं ना, मैं एक बात बोलूँ तो डू आई से वन थिंग, तो सामने से क्या जवाब आएगा, यस। ठीक है, मैं पक्का आऊँगा, जैसे कोई इनवाइट करने आता है या कोई बुलाने आता है, या ठीक है, तो कहते हैं ना मैं पक्का आऊँगा, तुम चिंता मत करो मैं पक्का आऊँगा, तो मैं पक्का आऊँगा, आई विल कम फॉर श्योर, आई विल कम फॉर श्योर, आई विल कम फॉर श्योर, मैं पक्का आऊँगा। उसके बाद ज़्यादा हंसो मत, कहते हैं ना किसी को ज़्यादा हंसो मत, ठीक है ना तुम बहुत हंस रहे हो, तो ज़्यादा हंसो मत, डोंट लाफ, इसे क्या पढ़ेंगे, लाफ, LAUGH, लाफ, LAUGH, लाफ, ज़्यादा हंसो मत, डोंट लाफ टू मच, टू मच का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लाफ मतलब हंसना, ठीक है, ज़्यादा हंसो मत, डोंट लाफ टू मच। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस, मैं जुबान का पक्का हूँ, मतलब वो कहता है ना मैं बातों से नहीं बदलता, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैं जुबान का पक्का हूँ, तो आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, मैं जुबान का पक्का हूँ। यहाँ से चले जाओ, कहते हैं ना यहाँ से तुम चले जाओ, अब भी चले जाओ, तुम यहाँ से तुम चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हेयर, गो अवे फ्रॉम हेयर। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत का क्या होता है डेयर, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टूडे, इट मे रेन टूडे। अब आपकी तबीयत कैसी है, हाउ आर यू नाउ, कहते हैं ना अब कैसे हो, अब कैसे हो, तो हाउ आर यू नाउ, अब आपकी तबीयत कैसी है, हाउ आर यू नाउ। मुझसे कौन मिलना चाहता है, मुझसे कौन मिलना चाहता है, जब कोई क्या के कहता है ना यार, कोई तुमसे मिलने आया है, तुम्हें कोई खोज रहा है, कहते हैं मुझसे कौन मिलने आया है, या मुझसे कौन मिलना चाहता है, तो हु वॉन्ट्स टू मीट मी, हु वॉन्ट्स टू मीट मी। ठीक है, हु वॉन्ट्स टू मीट मी। दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इन सब वर्ड्स का अपने दोस्तों के साथ अपने चैटिंग्स में बार बार ये बातें कह रहा हूँ कि आप उसका इस्तेमाल करो, बहुत ही आसानी से आपको इस सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, और किसी भी 4-5-10 लोगों के बीच आप बोल के अपना इम्प्रेशन बना सकते हो, लोगों के बीच में अच्छे अपने आप को
साबित कर सकते हो, इम्प्रेसिव बन सकते हो, ठीक है। आज के लिए ये 25 सेंटेंस था जो आपको बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।